गोपालगंज के थावे में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक आरा मशीन में भयंकर आग पकड़ लिया। आप देखिए तस्वीरों में कि यही वो आरा मशीन है जहां कॉर्नर से आग अचानक पकड़ा, जिसके बाद से आग की लपटें इतनी तेज हो गई कि पूरा आरा मशीन जलकर राख हो गया। वहां रखे गए फर्नीचर, लकड़ी सहित अन्य जो भी सामग्री था सब में आग पकड़ लिया और बुरी तरह से झुलस गया। लगभग 30 लाख रुपये का नुकसान बताया जा रहा है। अब यह तस्वीर सुबह की है, जब आग लगी तो इतनी लपटें तेज थी कि उसको बुझा पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। हालांकि फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां लगातार आग बुझाने पर कोशिश करती रहीं, लेकिन सुबह तक आग नहीं बुझ पाई थी। हालांकि सुबह होने के बाद बहुत देर बाद आग पर काबू पाया जा सका और उसके बाद लगातार अभी भी उसमें दमकल से पानी चलाया जा रहा है। पूरी लकड़ियों में आग पकड़ लिया था, यानी लगभग 30 लाख से ज़्यादा रुपये का नुकसान बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इंदरमा अब्दुल्लाह पंचायत के पूर्व मुखिया शेर आलम का यह आरा मशीन है जो कि थावे ओवर ब्रिज के समीप में है। रोग का एक ही इलाज मेडिकेयर है आपका समाधान। नवजात बच्चे, शुगर, पेट, छाती, हृदय, मुंह और दांत के अगर रोग से हैं परेशान तो आइए मेडिकेयर आपको देगा समाधान। मेडिकेयर में स्पेशल NICU, ICU और दवा सहित अन्य सभी सुविधाएं से है लैस। थावे रोड में सबनम होटल के पास बिप्रयासी स्कूल के सामने है यह मेडिकेयर अस्पताल। बहुत पुराना आरा मशीन था और अचानक से रात के 2 बजे इस आरा मशीन में धुआं दिखाई देने लगा, जिसके बाद आसपास के लोग वहां पहुंचे और आरा मशीन के मालिक को बाहर निकाला, जिसके बाद अगर कुछ भी समझ पाते तब तक यह सब कुछ जलकर राख हो गया। यानी इतना भी समय नहीं मिल पाया कि फायर ब्रिगेड पहुंचे और इस आग को कंट्रोल किया जा सके। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि मशीन से लेकर घर, चूल्हा और सारा सामान, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब कुछ जलकर राख हो गया। वहीं कीमती मशीन भी जलकर खाक हो गया है। हर तरफ कोयला ही कोयला दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी कोयले की दुकान में हम खड़े हैं। आप देखिए पूरी तरह से यह तस्वीरें, यह गोपालगंज के थावे ओवरब्रिज के समीप आरा मशीन के पास की है, जहां पर आग लगी थी जिसकी लपटें इतनी तेज थी कि हर चीज़ को जो है जला कर राख कर दिया है। पूरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि इस आरा मशीन की कि क्या कुछ इसमें बचा है या नहीं। अंदर घर तक के जो सामान थे वो भी जल गए। टेम्परेचर इतना था कि ऑटोमेटिक जो घर के अलमीरे थे उसमें आग लगने लगे, घर के फ्रिज में आग लग गए, वॉशिंग मशीन सहित सारी चीज़ों में आग लग गए। लोगों की शादी ब्याह के लिए जो फर्नीचर्स बना के रखे गए थे उसमें भी आग लग गया, जिससे वो जलकर राख हो गया है। हालांकि स्थानीय लोग बता रहे हैं कि काफ़ी मुशक्कत करने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सकता था। ये देखिए लाखों रुपए की मशीन है जो जलकर खाक हो गई है, यानी अब चलाने लायक नहीं है। उसको चलाने के लिए काफ़ी रुपये की खर्च होगी। ऐसे में बताया जा रहा है कि लगभग 30 लाख से ज़्यादा रुपये का नुकसान आरा मशीन के मालिक को हुआ है। अब पूरी तस्वीर देखिए कि किस तरह से ये पूरा शीट जो है वो गिर गया है। आग की लपटें जो इतनी तेज़ थी कि हर चीज़ उसमें जल रही थी। हालांकि स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दिया। फायर ब्रिगेड की लगभग दर्जनों गाड़ियां लगातार यहां पहुंची, लेकिन आग को काबू पाते पाते काफ़ी देर हो गई। यानी सुबह तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लगातार चलती रहीं, तब जाकर इस पर आग पर काबू पाया जाएगा। फिलहाल अभी भी कहीं हल्की फुल्की जो आग के धुएं हैं वो दिखाई दे रहे हैं। हालांकि लगातार पंपी सेट यानी दमकल से पानी चलाया जा रहा है ताकि आग जो है नहीं बढ़ सके। मौसम ख़राब हो रहा है, जिसको देखते हुए पूरी तस्वीर देखिए कि ये वो कोयला है जो कि लकड़ियां जलकर हो गया है। यानी ऐसे लग रहा है कि जैसे कोयले की हम खदान में है और वहाँ पर कोयला ही कोयला दिखाई दे रहा है। पूरी तस्वीर आप देख रहे होंगे कि इस तरह से जो है इतना भारी जो है वो नुकसान हो गया आरा मशीन मालिक को। हालांकि सरकार से अपील करेंगे कि इतना बड़ा नुकसान हुआ है तो सरकार को भी कुछ मुआवजा आरा मशीन मालिक को देना चाहिए। पूरी तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से जो नुकसान हुआ है वो तस्वीरें जो है, ये मशीन है, काफ़ी कीमती मशीन बताया जाता है, ये भी जलकर खाक हो गया है। इसमें जो पंपी सेट मशीन था वो भी जल गया है, यानी जो आरा मशीन को चलाने वाले बड़े मशीन था वो तक जल गया है। घर के चूल्हे, सामान सामग्री सब कुछ जलकर खाक हो गया है। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।